ऋतु राय गायकवाड़ को ना तो ओडीआई ना तो T20 में मिली जगह, रियान पराग T20 में भी जगह और ओडीआई में भी जगह, उसके बाद अभिषेक शर्मा ना ही T20 में जगह ना ही ओडीआई में जगह, और शुभमन गिल वाइस कैप्टन दोनों साइड ओडीआई में भी T20 में भी। ये जो चार चीजें हुई है ना, ये फैंस को काफी पसंद नहीं आई है। सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो है ऋतु राय गायकवाड़ के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, ये मैं बिल्कुल सही चीज आपको कहूंगा। क्योंकि भाई उस बंदे ने ना जब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था इंडिया का तो परफॉर्म किया था, रियान पराग ने ना तो परफॉर्म किया, फिर भी दोनों साइड जगह कैसे मिल गई यार, ये काफी बड़ा सवाल है। ये मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली कि दोनों साइड जगह कैसे मिल सकती है रियान पराग को, T20 में भी और ODI में भी। वहां पे ऋतुराय गायकवाड़ जिनको एक साइड भी जगह नहीं मिली, बहुत ज्यादा गलत हुआ ऋतुराय गायकवाड़ के साथ। एक्चुअली ये चीज देखे ना, ये चीज हम दिल से सोचें या माइंड से सोचें तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ी है इस चीज में। क्योंकि ऋतुराय गायकवाड़ ने आपको पता है एक अच्छा 50 स्कोर किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, रियान पराग ने एक मैच खेला उसमें 1 रन स्कोर किया और एक मैच खेला कुछ 24 गेंदों में 22 रन स्कोर किया, जो कि एक लो स्ट्राइक रेट माना जाता है और अच्छा भी नहीं किया। और रियान पराग का आपको पता भी होगा एक बयान दिया था भाई कि मैं वर्ल्ड कप क्यों देखूं, मैं तो अपना जब वर्ल्ड कप होगा खुद खेलूंगा तब देखूंगा, ऐसे में वर्ल्ड कप नहीं देख सकता। तो एक बयानबाजी एक डिसिप्लिन जिस प्लेयर में ना हो उसको T20 में भी जगह मिल जाए ODI में भी जगह मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा एज ए क्रिकेट फैन, आपको कैसा लगेगा, बहुत गलत लगेगा ना। तो ऋतुराय गायकवाड़ के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ। एटलीस्ट यार ODI में जगह तो दे देते, ODI में उनकी जगह बनती थी, डेफिनेटली बनती थी, T20 में रहने देते, रियान पराग को रख लेते भाई। लेकिन बहुत ज्यादा गलत हुआ ऋतुराय गायकवाड़ के साथ, अगर आप एग्री करते हैं यार कमेंट में जरूर बताएं। तो उसके बाद भाई ये चीज एक और होती है कि अभिषेक शर्मा को भी नहीं मौका मिलता है T20 में, उनकी जगह पे रियान पराग आ जाते हैं, जो गलत है। रियान पराग को बाहर निकाल के भाई अभिषेक शर्मा आ सकते थे, 100 स्कोर किया उन्होंने, कोई छोटा अचीवमेंट नहीं लिया। भले एक बड़ा अचीवमेंट है 100 स्कोर करना अपने दूसरे मैच में, चाहे परफॉर्म उनके एक दो मैच में अच्छे नहीं गए लेकिन 100 स्कोर किया है, परफॉर्म किया तो नाम बनता है ना। तो उनको भी अपने अंदर से एक डिसअपॉइंटमेंट लगी होगी अभिषेक शर्मा को, तो आखिर मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उसके बाद एक चीज और होती है भाई, शुभमन गिल वाइस कैप्टन T20 में बन जाते हैं, ODI में बन जाते हैं। देखो ODI में तो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन T20 में हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन होना चाहिए था, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। शुभमन गिल का भी फॉर्म इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, एक T20 में उन्होंने अच्छा खेला था वैसे, लेकिन फिर भी वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या बनते थे, डेफिनेटली बनते थे। अगर आप इस चीज से एग्री करते हो भाई कमेंट में जरूर बताओ। वो सारी चीजें गलत हुई है यार, ये जो टीम बनी है ना काफी गलत चीज हुई है। सिर्फ एक दो चीज मुझे अच्छी लगी है, अभी जो अर्शदीप सिंह है उनको T20 में भी मौका मिला है और ODI में भी मौका मिला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अर्शदीप सिंह एक लॉन्ग टर्म बॉलर बने जो कि एक लीजेंड भी बन सकते हैं। जैसे आपको जहीर खान तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग करवाते थे, मैं भी अर्शदीप सिंह में वो चीज देखता हूँ। बाकी उनको काम करने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं कि अर्शदीप सिंह कोई बहुत ही ज्यादा बेकार बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रोल भी काफी किया जा रहा था IPL में। तो वर्ल्ड कप में उन्होंने बताया 17 विकेट लेकर कि कैसे भाई उनको अर्शदीप सिंह कहा जाता है, 17 विकेट ली, सबसे ज्यादा विकेट इंडिया के लिए, और ये एक रिकॉर्ड भी है सबसे ज्यादा विकेट लेना T20 वर्ल्ड कप में, ये अर्शदीप सिंह के नाम है, और ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे। तो अर्शदीप सिंह के लिए काफी अच्छा मुझे लगा और ये अच्छा एक पॉजिटिव उनके लिए रहेगा। लेकिन जो भाई ऋतुराय गायकवाड़ के साथ हुआ, अभिषेक शर्मा के साथ हुआ, बहुत ज्यादा गलत है। पर्सनली बताऊं तो ऋतुराय गायकवाड़ एक हाईलाइट बन चुके हैं और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वही चीज वायरल कर रही है कि ऋतुराय गायकवाड़ को मौका कहीं क्यों नहीं मिला। तो आप इस चीज से एग्री करते हैं भाई कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि एक प्लेयर का करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको होना तो जरूरी चाहिए। अब हम क्या ही कर सकते हैं, ये BCCI का फैसला है। तो अगर आप चैनल पे नए फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।